आप लोगों के भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं खासम खास वीडियो। आज आप देखेंगे कि इंडियन विस्की के जाने माने ब्रांड रॉयल स्टैग को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। रॉयल स्टैग इंडिया में पहली बार 1995 में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया था। अभी भी इंडिया में केवल 4 जगह पर ही रॉयल स्टैग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं, कोलकाता, मुंबई, गुड़गांव और दमन। रॉयल स्टैग को बनाने के लिए गेहूं, जौ, मक्का को यूज में लाया जाता है। सबसे पहले इन सभी अनाजों को खेतों में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है विस्की बनाने का पहला स्टेज। सबसे पहले यहाँ इन सभी अनाजों को करीब 12 घंटों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। 12 घंटे पूरे होने के बाद उनमें से सारा पानी ड्रेन करने के बाद फिर से सभी अनाजों को 14 घंटे के लिए पानी में छोड़ा जाता है। 14 घंटे पूरे होने के बाद अब बारी आती है इन गीले अनाजों को सुखाने की, जिसके लिए इन अनाजों को निकालकर एक कमरे में कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। इन सभी अनाजों को फ्लोर पर ऐसे फैला देते हैं। करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद इन सभी अनाजों को माल्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। दरअसल माल्टिंग प्रोसेस के लिए धुआं करना होता है। इसके लिए यहाँ पर एक भट्टी में धुएं वाली आग लगाई जाती है और फिर इस धुओं को अनाजों के कंटेनर्स में भेजा जाता है, जिसके कारण वो अनाज धुएं को सोख ले और विस्की को एक शानदार स्मोकी फ्लेवर मिल सके। इसी तरह 2 दिन बीत जाने के बाद उन अनाजों के क्वालिटी को चेक करने के लिए अनाजों के सैंपल्स को चेक किया जाता है। सैंपल्स पास हो जाने पर इन सारे अनाजों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ग्राइंडर मशीन में सारे अनाजों को पीसने के लिए भेजा जाता है। अब सारे अनाज पीस चुके हैं। अब इन सभी अनाजों को एल्कोहल में बदलने के लिए इन्हें सड़ाया जाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटिंग कहते हैं, जिसके लिए इन सभी अनाजों में यीस्ट का पानी मिलाया जाता है, जो सड़ने की प्रक्रिया को और तेज करता है। करीब 2 दिन के फर्मेंटिंग प्रोसेस के बाद एक बहुत ही तेज गंध वाला एल्कोहलिक स्पिरिट प्राप्त होता है, जिसे इस यूनिट में लगे नलों से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है। स्कॉच विस्की ऐसी विस्की को कहा जाता है जिसे कि मिनिमम 3 साल तक बियर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। नॉर्मल विस्की को ऐसे ही बेचा जाता है, लेकिन रॉयल स्टैग स्कॉच विस्की है, इसलिए इसे 3 साल के बाद ही पैक किया जाता है। कुछ ऐसे तो अब हम देखेंगे कि फैक्ट्रियों में पान मसाला कैसे बनता है। गुटखा बनाने के लिए लगने वाले सबसे अहम चीज़ है बीटल नट्स, आम भाषा में इसे सुपारी भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके फलों को पेड़ से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। जब यह सही मात्रा में सूख जाता है तब इन्हें छीलकर उसमें से उनके बीज को निकाल लेते हैं। इन बीजों को फिर उस जहरीले रंग वाले पानी में उबाला जाता है। इसे उबालने के लिए वही फलों के सूखे छिलकों को डाले जाते हैं, ताकि उसमें एक अलग फ्लेवर आ सके। बाद में इसमें कत्था और अलग अलग कंपनी के हिसाब से फ्लेवरिंग मिलाई जाती है और इसी स्वाद को टिकाए रखने के लिए इसमें पैराफिन डाला जाता है। जी हाँ, ये वही खतरनाक चीज़ है जिसे फलों को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में पूरे मिश्रण को अच्छे से धूप में सुखा लिया जाता है। फिर इसके टुकड़े कर लिए जाते हैं और उसमें चूना, कत्था और फ्लेवरिंग को मिक्स कर लिया जाता है और सबसे अंत में इसमें कांच का पाउडर मिलाया जाता है, जिसके कारण गुटखे को खाने पर मुंह में छोटे छोटे खरोंचे आ जाती है और जब गुटखे का निकोटीन उस खरोंच पर लगता है तब व्यक्ति को नशा होने लगता है।
और सुपारी द्वारा खरोचा हुआ भाग धीरे धीरे कठोर होने लगता है, जिस कारण व्यक्ति का मुंह कम खुलने लगता है, क्योंकि मुंह के मसल्स कमजोर होने के कारण तनाव कम होने लगता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर प्रकार के गुटखे और पान मसाला में कांच का पाउडर नहीं मिलाया जाता है, पर कुछ गुटखे और पान मसाले में यह मिलाया जाता है ताकि उनकी मांग बढ़ जाए। तो अब गुटखा बनकर तैयार है, अब इन्हें अलग अलग कंपनी अपने पैकेट्स में मशीन के जरिए पैक कर देती है और इस तरह से तैयार हो जाता है गुटखा। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप एक दिन में कितने पैकेट गुटखा खा लेते हो। तो चलिए अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि सिगरेट को कैसे बनाया जाता है। सिगरेट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले तंबाकू को तैयार किया जाता है, जिसके लिए तंबाकू के नर्सरी को सेल्टर फार्म्स में तैयार किया जाता है, और जब ये तैयार हो जाते हैं तब इन्हें उखाड़ कर खेतों में बोया जाता है। फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। जब ये तैयार हो जाते हैं तब इनकी पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हें सुखाने के लिए फैक्ट्रियों में लाया जाता है, जहां इन पत्तियों में धागे को पिरोकर उसे लकड़ी के सहारे लटका दिया जाता है और इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब ये सूख जाते हैं तब इन्हें उखाड़ कर इकट्ठा कर लिया जाता है और आगे इनको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर सिकुड़े हुए पत्तों को सीधा किया जाता है और सड़े गले पत्तों एवं सूखे हुए पत्तों को अलग किया जाता है ताकि सिगरेट बेस्ट क्वालिटी की बने। अब इन सभी तंबाकू को सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहां इन सभी तंबाकुओं को ब्लेंड किया जाता है जिससे तंबाकू के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो अब तंबाकू बनकर तैयार है, अब अगले स्टेप में सिगरेट की फिल्टर को तैयार किया जाता है। सिगरेट का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर से बनाया जाता है, जिसको मशीन में डालकर रोल कर दिया जाता है। तो अब फाइनल स्टेप में सिगरेट बनने के लिए तैयार है। इसके लिए स्पेशल रोलिंग पेपर का यूज़ किया जाता है। इन पेपर के रोल को ये मशीन तैयार कर दी जाती है और ये मशीन इस सिगरेट को एक तरफ से तंबाकू और दूसरे तरफ से फिल्टर टिप को डाल देती है और अब सिगरेट बनकर तैयार है। अब इन सभी सिगरेट को फाइनल इंस्पेक्शन के लिए इन सभी मशीन से होकर गुजारा जाता है, जैसे कि टूटे फूटे या खाली सिगरेट को अलग कर लिया जाता है। तो फाइनली इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन्हें डब्बे में पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से तैयार हो जाती है सिगरेट। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप एक दिन में कितने सिगरेट पी जाते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।